नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच बेहतरीन शेयर के बारे में जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। जिस तरह से अभी मार्केट में गिरावट आ रही है, जैसे मार्केट में करेक्शन आता है, तो आपको इन पांच शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। आपको जब भी खरीदारी करनी है तो स्टॉप लॉस के साथ करनी है। हमेशा हम आपको बताते हैं स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। तो पांचों स्टॉक्स को बारी बारी से हम आगे वीडियो बनाएंगे कि कहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, क्या आपको टारगेट रखना है, उसके साथ हम आगे चर्चा करेंगे इन पांचों शेयर का। तो चलिए सबसे पहले पांचों शेयर्स को हम इस वीडियो में देख लेते हैं जिसमें आपको हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। तो पहला है एडवांस एंजाइम। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम भी इस स्टॉक में इधर देखने मिला है। तो देख सकते हैं अगर आप वन मंथ में देखेंगे तो ये लगभग 30% से 50% मूव कर चुका है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ये भी देख सकते हैं अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है जो कि है 444, तो उसके बाद और ज़्यादा इसमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है, इसमें काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आया था, उसके बाद काफ़ी बड़ा रैली देखने मिला हमें। जो मार्च में गिरावट था वहाँ से ये शेयर अभी भी 191% अप है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आपको गिरावट पर जब भी मिले तो बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैली 200% रैली कर चुका है। तो हो सकता है इसमें 10% 20% 30% का करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, तो इसलिए जब भी बाय करें स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें। दूसरा है हमारा ग्रेनुलर्स इंडिया, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है और ये भी शेयर काफ़ी मूव कर चुका है, और जैसे मार्केट में करेक्शन आता है उसी के साथ इसमें भी करेक्शन बार बार आ रहा है। और देखते हैं हर करेक्शन पर आपको बाय करनी चाहिए, जब भी आपको करेक्शन मिलता है तो बाय ऑन डीप करना। ये भी शेयर काफ़ी बेहतरीन, और अगर बात करें इसके मोमेंटम का तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है। तो और ये एक साल से लगातार मोमेंटम दिखा रहा है, एक साल में ये 290% मतलब मोमेंटम कर चुका है। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है और इसमें भी स्टॉप प्लस के साथ आपको मतलब बाइंग करनी है, मतलब इन्वेस्ट करना है, चाहे पोजिशन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग जिसके लिए करते हैं स्टॉप लॉस के साथ विदाउट स्टॉप लॉस काफ़ी रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो आपको यहां पर स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करनी है। उसके बाद है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। देख सकते हैं ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन, जो भी स्टॉक्स बता रहे हैं वो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एक वन मंथ में देखेगा तो न्यूट्रल है, कुछ खास मतलब अब मोमेंटम नहीं है। ईयर टू डेट में देखेगा तो भी ये देख सकते हैं कुछ खास मोमेंटम इसमें नहीं है। वन ईयर में देखते हैं तो वन ईयर में भी लगभग फ्लैट है, लेकिन फाइव ईयर्स में देखिए तो स्टॉक्स कितना बेहतरीन है। तो ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हैं फाइव ईयर्स में 238%। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें 2007 से अभी तक में 15,000% का रिटर्न, मतलब हर साल 1,000% का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी बेहतरीन है, इसमें जब भी इन्वेस्ट करें मतलब जब भी इसमें पोजिशन आपको बनाना है स्टॉप लॉस के साथ बनाना है, और जैसे करेक्शन आता है तो उस लो लेवल पर आपको बनाना है, क्योंकि ये अगर मोमेंटम देता है तो ऊपर जब ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा उसी के बाद आपको इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा जो कि 1200 से एवब रुपीज पे होगा। या तो आप 1200 रुपीज के लेवल्स को क्रॉस करने का वेट करें, या आप स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं जब भी गिरावट मिलता है, मतलब मार्केट में जब एक शार्प करेक्शन आता है तब। उसके बाद अगला जो बेहतरीन शेयर है हमारा एल्काइल एमिन्स केमिकल्स लिमिटेड, केमिकल सेक्टर में और कई सारे स्टॉक्स है जैसे नवीन फ्लोरिन है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, फाइन ऑर्गेनिक्स है, इन अतुल लिमिटेड जो वो भी काफ़ी बेहतरीन शेयर। तो ये चार पांच शेयर है जो कि केमिकल सेक्टर से काफ़ी बेहतरीन है, जिसमें आप पोजिशन ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन अभी एक मंथ में इधर देखिएगा तो कोई मूवमेंटअप नहीं है। तो लेकिन आप ईयर टिल डेट में देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंटम ये स्टॉक कर चुका है, देखते हैं 188% का रिटर्न। और मैक्सिमम ईयर बात करें तो काफ़ी देखते हैं स्टॉक अब ट्रेंड में है, तो जब भी इन्वेस्ट करना है तो स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि स्टॉप लॉस के साथ करना है क्योंकि हो सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा रैली आया है तो एक करेक्शन भी चले इसमें, तो टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है, तो वैसे में आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। उसके बाद अगला हमारा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतरीन शेयर, देखते हैं ये भी डाउन ट्रेंड में है अभी, सिक्स मंथ में देखिएगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन वन मंथ में कुछ खास मोमेंटम नहीं है, 127% का रिटर्न है सिक्स मंथ में, तो काफ़ी बेहतरीन
मूव किया है ये स्टॉक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टॉक्स एक साल से काफ़ी रैली, जब जब मतलब आएगा आत्मनिर्भर भारत चाइना बैकआउट प्रोडक्ट, ये स्टॉक्स काफ़ी आपको स्ट्रेंथ दिखाएगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक्स है। और जो बहुत सारे प्रोडक्ट है ये कंपनियाँ बनाती है जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस जब करेंगे इस कंपनी का तो उसमें हम चर्चा करेंगे ये कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाती है। तो काफ़ी बेहतरीन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो भी कंपनियां आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कर सकती है, और फार्मा सेक्टर आईटी सेक्टर के जो लीडर कंपनियां हैं आप उसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पांच बेहतरीन थे, साथ ही साथ जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस हो गया, आपको टीसीएस हो गया, एससीएल टेक हो गया, इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं लुपिन हो गया, सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, उस तरह से जो है फाइजर हो गया, अबेटो इंडिया हो गया, इन सब स्टॉक्स में आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स काफ़ी रैली भी कर चुके हैं। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तब इन्वेस्ट करना है, स्टॉप लॉस के साथ करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।